सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ, एंड ये टॉपिक जो है नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है। दिस टॉपिक इज़ अबाउट द CSIR नेट लाइफ साइंसेज। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर CSIR एग्ज़ाम, तो आई होप उनके लिए कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा समझने वाला भी है। एंड द थिंग कि इसमें आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी, और रामाचंद्रन प्लॉट से वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम, राइट। तो देखो इसमें क्या है, रामाचंद्रन प्लॉट की जब हम बात करते हैं, तो रामाचंद्रन प्लॉट को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये किस टॉपिक के बारे में है। मैं आपको अपनी कुछ पॉइंट्स के साथ समझाऊंगी। मैं इसमें कुछ अपनी जो मैंने प्रेजेंटेशन, या आप ऐसे बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन मेरे पास एक है, वहाँ से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी। एंड जो प्रेजेंटेशन मैं लूँगी वो हमेशा तो नहीं बोलूँगी, वो प्रेजेंटेशन इस टाइम पर मेरी गूगल से ली गई है, ठीक है। तो वो उन्हीं का कॉपीराइट है जो भी है, तो लेकिन मेरा सिर्फ मेन मोटिव है कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाऊं। तो पहले मैं अपने तरीके से समझाऊंगी, उसके बाद हम उस प्रेजेंटेशन पे मूव करेंगे। तो देखो रामाचंद्रन प्लॉट की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो प्रोटीन के बारे में है, ठीक है। तो प्रोटीन में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोटीन का मोनोमेरिक यूनिट जो होती है, दैट इज़ योर अमीनो एसिड। जब हम बहुत सारे अमीनो एसिड को आपस में जोड़ देते हैं, तब जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अब प्रोटीन एक सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं होती, प्रोटीन की बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। तो मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको सबसे पहले क्या चीज़ें समझाऊंगी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। देन हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी प्रोटीन है उसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो रामाचंद्रन प्लॉट का कंसेप्ट है जो प्रोटीन से रिलेटेड है, जो रामाचंद्रन जी ने दिया था, वो कंसेप्ट जो है उसमें क्या चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, उसमें कितने एंगल पे जब आपकी जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो कितने एंगल पे जब रोटेट करती है तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है, प्राइमरी बनाती है, सेकेंडरी बनाती है, टर्शियरी बनाती है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सीधा बोल दूँ कि ये प्राइमरी बनाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है, इतना डिग्री रोटेट किया तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गई, इतना डिग्री रोटेट किया तो सेकेंडरी बन गई, सेकेंडरी में भी कौन सी बन गई, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोल रही कि मैंने इतना डिग्री रोटेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मैंने रोटेट किया क्या, वो समझना भी जरूरी है, यानी कि मैं किस एंगल को रोटेट कर रही हूं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट होंगे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, हमारे जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं उनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स बने हुए हैं, और अमीनो एसिड के जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बन रही हैं वो कौन कौन सी प्रोटीन की स्ट्रक्चर बन रही हैं, और जो आपके बॉन्ड्स हैं उनमें कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, और कितने एंगल पर रोटेट करने में कौन सी स्ट्रक्चर आ रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट, इससे आगे कुछ है ही नहीं। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है रामाचंद्रन जी ने जो हमें दिया था, और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया तो उन्होंने क्या किया, एक प्लॉट बना दिया, ठीक है। हमारा होता है ऐसा रहता है, मतलब कि अगर हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वी वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट। तो उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में हम कई बार क्या कर देते हैं, ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था, क्वाड्रेंट्स बेसिस पे उन्होंने अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स, जो प्रोटीन बन जाता है जब अमीनो एसिड से, तो उसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे कैसे कितना कितनी डिग्री रोटेट करने पर आती है वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो रामाचंद्रन प्लॉट समझने से पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। आई होप सब बच्चों को अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पता होगी, बट क्योंकि हम टीचर हैं आदत से मजबूर हैं तो एक आधी चीज़ हम ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा ही देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो जब हम रामाचंद्रन की बात करते हैं तो प्लॉट की बात करने से पहले, वो तो हम एक मिनट में डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, रामाचंद्रन प्लॉट की डिस्कशन से पहले वी वॉन्ट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर जिन बच्चों को पहले से पता थी, और क्या क्या ग्रुप वहाँ पे क्या क्या डिफाइन करते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि येस मैम वी नो अबाउट दैट, ठीक है। तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बताते हैं, अमीनो एसिड एक अमीनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अमीनो एसिड। इसमें होता क्या है, देयर इज अ वन कार्बन, ठीक है, एक कार्बन होता है। हमेशा हमें पता है कि अगर आप मीथेन की स्ट्रक्चर देखते हो, दैट इज़ योर मीथेन। मीथेन को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो इसके चारों कार्बन की चारों वैलेंसी किससे ऑक्यूपाई हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो दैट इज़ योर मीथेन। What about the amino acid? Amino acid are basically the substituted methane.
सब्स्टिट्यूटेड मिथेन। सब्स्टिट्यूटेड मिथेन का मतलब क्या है कि आप इसके जो ग्रुप हैं जो जिन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है उनको आप रिप्लेस कर दो किसी और ग्रुप के साथ, उसको हम बोल देते हैं सब्स्टिट्यूटेड मिथेन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस अमीनो एसिड, इसको मुझे अमीनो एसिड बनाना है तो मैं क्या करूँगी, एक सपोज़ यहाँ पर कार्बन है, मैं इसकी राइट साइड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप लगा दूँगी, ठीक है। दूसरा, मैं इसके लेफ्ट साइड में एक अमीनो ग्रुप लगा दूँगी, मैंने H को रिप्लेस कर दिया, दोनों साइड के H को मैंने रिप्लेस कर दिया, किससे, वन साइड रिप्लेस किया कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, वन साइड रिप्लेस किया अमीनो एसिड से, सॉरी एक साइड मैंने किससे रिप्लेस किया, अमीनो ग्रुप से, ठीक है। एक R को मैं, एक H को रिप्लेस कर देती हूँ मैं R से, और एक H को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। नाउ यू कैन सी कि ये जो अमीनो एसिड है इसमें जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ने ऑक्यूपाई की हुई है। ऐसे कार्बन को जिसकी चारों वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उसको, उस कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, काइरल कार्बन। सो दिस इज़ योर काइरल कार्बन। रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाई डिफरेंट ग्रुप्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, काइरल कार्बन बोल देते हैं। उसके अलावा आप इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यू कैन रिप्रेजेंट इट एज सी अल्फ़ा, हम इसको सी अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, काइरल कार्बन सी अल्फ़ा। अब देखो, इस R ग्रुप की बात करें तो ये R ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इस ग्रुप की बात करते हैं, ये ग्रुप जो है दैट इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, इसीलिए इस ग्रुप के वजह से हमारा अमीनो एसिड का फॉर्म क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो ग्रुप है अमीनो ग्रुप, इसकी वजह से हमारा एसिडिक जो, हमारा एसिड जो है वो अमीनो भी हो गया, मतलब अमीनो एसिड बन गया कम्प्लीटली, राइट। अमीनो एसिड को लिखने का तरीका ये होता है। अब इसमें क्या होगा, गिव मी वन सेकेंड स्टूडेंट्स, वेट। ओके बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे अमीनो एसिड की हमने बात कर लिया है। अमीनो एसिड में मैंने कहा कि एक अमीनो ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है। R की अगर हम बात करें तो R इज़ बेसिकली व्हाट, R इज़ अ वेरिएबल ग्रुप। R एक कैसा ग्रुप है, इट इज़ अ वेरिएबल ग्रुप, मतलब ये ऐसा ग्रुप होगा जो चेंज होगा। और अगर कोई ग्रुप चेंज हो रहा है तो, अगर ये ग्रुप चेंज होगा तो इसकी वजह से जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो भी चेंज होंगे। सपोज़ कर लो इस R को मैं रिप्लेस करती हूँ, है ना, आपके सामने मैं इसको रिप्लेस करती हूँ, आप मुझे आंसर करना कि कैसे कैसे क्या होगा। सपोज़ सी अल्फ़ा था, यहाँ पर इसका एसिडिक ग्रुप था, यहाँ पर इसका अमीनो ग्रुप है। आपको ये बार बार करोगे तो, रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, ये इसका H ग्रुप है, ठीक है। मेरा फर्स्ट अमीनो एसिड जो मैं बना रही हूँ दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल अमीनो एसिड, और इसमें मैं क्या करूँगी, R को रिप्लेस कर देती हूँ H से, क्लियर। R को मैं रिप्लेस कर देती हूँ H से। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास कार्बन के दो ऐसे ग्रुप हैं, दो ऐसे वैलेंसेज हैं विच आर ऑक्यूपाइड बाई द सेम सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड हमारे पास होता है ग्लाइसिन, दिस इज़ योर ग्लाइसिन, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, अब यहाँ पे दो ग्रुप को सेम सब्स्टिट्यूएंट ने ऑक्यूपाई किया है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट द अल्फ़ा ग्रुप, दिस इज़ नॉट द कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा कार्बन नहीं है ये कौन सा कार्बन है, नॉर्मल कार्बन हमारे पास रहने वाला है, एंड दैट इज़ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता है। बट जितने भी कार्बन, काइरल कार्बन थे, ये वाले जितने भी कार्बन थे काइरल कार्बन, ये सारे क्या थे, दीज वर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप इनमें से लाइट पास करोगे तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, या उसको रोटेट कर देते हैं, राइट। बट अगर हम ग्लाइसिन की बात करते हैं, दिस इज़ द ओनली अमीनो एसिड विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके जो चारों ग्रुप हैं दे आर नॉट ऑक्यूपाई बाय द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, दे आर ऑक्यूपाई एट द सेम, एट द टू पोजिशन बाय द सेम ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए ग्लाइसिन क्या हो गया, ग्लाइसिन हमारे पास ऑप्टिकली, दैट इज़ योर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और वी कैन से इट इज़ अ ए काइरल कार्बन, ऑप्टिकली इन एक्टिव, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये था हमारा अमीनो एसिड का कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैं एक और अमीनो एसिड बना देती हूँ, मान लीजिए ये वाला मेरे पास एक और डिफरेंट अमीनो एसिड है, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जिनको मैं आपको बताऊँगी, अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो R ग्रुप था दैट वॉज रिप्लेस्ड बाई H ग्रुप, लेकिन जब हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे R ग्रुप अगर मान लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे R ग्रुप को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर रही हूँ, R को मैंने किससे रिप्लेस किया, CH3 से। नाउ इट इज़ योर अनदर डिफरेंट अमीनो एसिड, और वी कैन से इट इज़ योर एलेनिन, एलेनिन,
ठीक है, तो हमारे पास ना 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन हर एक अमीनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाता है। ऐसे सिर्फ 20 अमीनो एसिड, और अभी फ्यूचर में देखा गया है 21 अमीनो एसिड्स ऐसे ही हैं जो क्या बनाते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली हम सिर्फ उन 20 अमीनो एसिड्स की बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। उनमें कुछ एसिडिक हो सकते हैं, कुछ बेसिक हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल हो सकते हैं, और कुछ पोलर, कुछ नॉन पोलर, इस तरीके से हो सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स होंगे। तो ये आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अमीनो एसिड क्या है, ठीक है। अब अमीनो एसिड से बनती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर, अब वो हम बनाएंगे कि कैसे कैसे बनती है। देखो मैं आपके सामने बनाती हूँ, बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान से समझना कंसेप्ट को। सपोज एक यहाँ पे आपके पास क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई भी अमीनो एसिड है, रैंडम है, R1 ले लेती हूँ। इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड है कोई, ये है मेरे पास दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है, दूसरा अमीनो एसिड, इसको मैं R2 कंसिडर कर लेती हूँ, एंड दैट इज़ माई H ग्रुप, क्लियर हो गया। तीसरा और ले लेते हैं, चलो आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़, इस चीज़ को समझाना ही मेरा इंपॉर्टेंट काम था। ये समझ लेते हैं, यहीं पे बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ मैंने बनाई है, इसमें क्या किया है मैंने, इसमें मैंने मोनोमेरिक अमीनो एसिड को आपस में जोड़ दिया है। और जब मोनोमेरिक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक पूरा कमरा है, जब वो कमरा बनता है, कमरे की एक वॉल बनती है, रूम की जब आप एक वॉल का फॉर्मेशन करते हो, तो उस टाइम पे क्या करते हो आप, ब्रिक्स को ऐड करते हो, राइट। तो ब्रिक इज़ अ सिंगल यूनिट, जब उस ब्रिक्स को आपस में ऐड करते हो तब जा करके एक वॉल बनती है। इसीलिए अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन इज़ बेसिकली व्हाट, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, सिंपल, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यानी अमीनो एसिड यहाँ पर क्या है, अमीनो एसिड इज योर मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट। अमीनो एसिड यहाँ पे ब्रिक की तरह काम कर रहा है, और प्रोटीन इज लाइक अ वॉल, पूरी वॉल बन गई है, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये मैम आपने जोड़ कैसे दिए, इसको जोड़ने का एक तरीका होता है, ध्यान रखना, ये मैंने सिर्फ वैसे दिखाया था। जोड़ने का एक तरीका होता है इस तरीके से, इसमें जब आप जोड़ते हो, मान लीजिए मैंने 3 अमीनो एसिड जोड़ रही हूँ, इसको R3 कंसिडर कर लेते हैं, 3 अमीनो एसिड जोड़ रही हूँ, 3 अमीनो एसिड जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड बनेंगे ये समझोगे आप। तो मान लीजिए हमने अमीनो एसिड जोड़ा, जब मैं यहाँ से अमीनो एसिड जोड़ूंगी, पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, नंबरिंग कर लेते हो, चलो ये वैसे भी R1 R2 R3 हमारे पास लिखा गया है ना। तो जब हम इसको जोड़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, देर इज़ अ लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन सिंगल बॉन्ड। अगर आपको एक सिंगल बॉन्ड बनाना है दो अमीनो एसिड के बीच में, तो यू हैव टू लॉस वन वाटर मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल को रिजॉल्व करोगे, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से कंडेंस कर दोगे, बेसिकली इट इज़ अ कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, दो अमीनो एसिड को जब हम जोड़ रहे होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ काइंड ऑफ बॉन्ड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से जब मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया होगा तो मेरे पास क्या बना होगा, CR1, दिस इज माई H ग्रुप, दिस इज NH3, ठीक है, दिस इज माई लेफ्ट साइड, लेफ्ट टर्मिनल, क्लियर। इसको हम N टर्मिनल भी बोलते हैं जब हम प्रोटीन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। और ये हो गया मेरे पास COO ग्रुप, ठीक, इसका H गया, इसके 2H गए, तो जब इसका 2H गया, ओके, लेट मी क्लियर दिस, मुझे इस तरीके से समझाना चाहिए आपको, ओके। तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, गिव मी 1 सेकेंड बच्चों, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, ध्यान से देखना, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, C डबल बॉन्ड O, O H, और ये वाला जो अमीनो एसिड है, ये मैं प्लस का ही साइन ऐड कर रही हूँ अभी, इसको मैं ऐसे लिख सकती थी HNH, और ये मेरा दूसरा अमीनो एसिड आ गया था, रिमेंबर। क्या मैं इसको ऐसे लिख पा रही हूँ, तो ये ठीक है, ये मेरा अल्फ़ा कार्बन है, ये मेरा अल्फ़ा कार्बन है,
ठीक है। अब एक बार और दोबारा से करके देख लेते हैं, तीसरी बार भी समझा देती हूँ आपको, यहाँ वाले से जोड़ते हैं, थर्ड वाले से ऐड करके देखते हैं। ये मेरा सेकंड था, ये थर्ड वाला अमीनो एसिड है, यहाँ से देखना। यहाँ पे मैंने COH ग्रुप लिखा है, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बॉन्ड बनाना है, तो मैं क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा खोल के ओपन करके लिख लेती हूँ। कैसे लिखूँगी मैं इसको, ओपन करके कुछ ऐसे लिख लूँगी, देखो इसको ओपन करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से ओ एच, ठीक है। प्लस का साइन मैं बीच में ऐड करूँगी। इस वाले NH3 को मैं थोड़ा और ओपन करके लिखूँगी। मैं इसको ओपन करके कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, एच फिर N फिर H, ठीक है, लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपने R3, ये भी अल्फ़ा कार्बन था, और ये आपका H, और दिस इज़ योर COOH विच इज़ योर राइट साइड, और इसको हम C टर्मिनल भी बोलते हैं। जैसे उसको हम लेफ्ट टर्मिनल बोलते हैं, L टर्मिनल बोलते हैं, इसको हम C टर्मिनल या एंड, इसको हम C टर्मिनल बोलते हैं, उसको हम N टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि, सोच रहे हो कि मैम अभी भी बॉन्ड तो नहीं बना, तो बॉन्ड बनाओ। बॉन्ड कैसे बनाओगे, आप वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो। नाउ यू कैन रिलीज दिस, ओके यू कैन रिलीज दिस। आप यहाँ से एक OH ग्रुप तोड़ दो, ठीक है, यहाँ से OH निकाल दो और यहाँ से H निकाल दो। इज़ इट पॉसिबल, येस एग्जैक्टली इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि आप कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे हो, तो यहाँ से भी आप इसको इस तरीके से कर दो लो। क्लियर हो गया? तो क्या मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूँ? यहाँ से मैंने वाटर को रिमूव कर दिया, सेम मैंने यहाँ पे किया, मैंने वाटर को रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने वाटर को रिमूव किया, अब आपके सामने क्या आ गया है, आपके सामने इस तरीके की स्ट्रक्चर आ गई है जिसमें हम बात करेंगे। इसको ध्यान से देखना, अब आप अपने आप खुद से कोड कर पाओगे कि क्या क्या कहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। क्या मैं सही चल रही हूँ? ये पहला अमीनो एसिड था, अब हम दूसरे पे पहुँच गए हैं, दूसरे वाले का NH आ गया है, ये सी अल्फ़ा कार्बन, ये सी ओ कार्बन, या सिंपली मैं इसको सी ओ अब इस तरीके से लिख रही हूँ। चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके लिए बहुत सिंपल लिखूँगी जिससे आपको ना बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाए कि मैम कैसे कैसे चल रहे हैं। NH दूसरे कार्बन का ये R2, सी अल्फ़ा का ये H ग्रुप, और यहाँ पे इसका C डबल बॉन्ड O। यहाँ से भी मैंने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया था, तो यहाँ पे फिर से मेरे पास NH, और अब की बार मेरे पास C अल्फ़ा और R3, और ये इसका हाइड्रोजन, और ये फाइनली इसका COOH, यानी कि ये इसका क्या है, राइट साइड है। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर टू यू। नाउ अब यहाँ पे बॉन्ड दिखाई दे रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर। नाउ यू कैन सी द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन देम, एंड दिस इज द बॉन्ड, हियर यू कैन सी, ये वाला बॉन्ड देखो, एक बॉन्ड ये है सी ओ और एन एच के बीच में, एक बॉन्ड ये वाला है सी ओ और एन एच के बीच में। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को आप बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं एमाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बहुत सिंपल था, सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ और एन और एच के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ योर एमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। हेयर यू कैन सी दिस इज़ अ सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल मूवमेंट हो सकता है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, इसका जो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहता है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर रहता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, तो जब आप इसको रोटेट करना चाहोगे तो यहाँ से भी ये रोटेट कर सकता है। तो ये तो था सिंपल। इस पेप्टाइड बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ पे टॉर्शनल एंगल बना देता है, डाइहेड्रल एंगल भी हम इसको बोलते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, इसको समझना, अब इस कंसेप्ट को समझना। ये जो बना है पेप्टाइड बॉन्ड के जुड़ने से, मतलब तीन अमीनो एसिड थे उसमें से दो पेप्टाइड बॉन्ड बने, और तब जाके ऐसे ऐसे करके प्रोटीन बनती चली जाती है। अब एक कंसेप्ट समझो, मान लो मैं आपको H2 दे देती हूँ, H2 जब मैं दूंगी तो आपके पास आप कितने बॉन्ड बनाओगे, H H बॉन्ड है, क्या ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड।
इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे क्या कोई एंगल बन रहा है खास, बॉन्ड में कोई एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना, कोई झुकाव नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की हिंड्रेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको मूवमेंट जो है वो बहुत इजी पॉसिबल है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में आप इजीली मूवमेंट कर सकते हो, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं H2O की, अब H2O को देखो, H2O की स्ट्रक्चर सबको पता है, होपफुली सबको पता है, तो यहाँ पे इस तरीके से H2O की स्ट्रक्चर होती है लगभग, है ना, इसके पास कुछ बॉन्ड भी पार्शियल लोन पेयर भी खाली रहते हैं, यहाँ पे एंगल्स होते हैं, इस H और O के बीच में एंगल होगा, इस H और O के बीच में एंगल होगा, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई एंगल है, इस एंगल में, इस एंगल की वजह से यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे तो एंगल है। अब ये एंगल एक एंगल है, हम ऐसी स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे हैं, हम ऐसी स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हमें देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए, अगर ज़्यादा एंगल हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, तो किस तरीके की हिंड्रेंस होगी, ठीक है, किस तरीके का एंगल होगा। आपने एक और देखा होगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसमें कैसी स्ट्रक्चर होती है, सपोज ये H है, ये O है, ये O है, ये H है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे एंगल होता है, तो क्या इन एंगल के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करना बहुत इजी होगा, नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा, यहाँ पे हिंड्रेंस आएगी। इस तरीके के एंगल को हम बोलते हैं टॉर्शनल एंगल, या फिर मतलब कि हम इसको बोलते हैं डायहाइड्रल एंगल, टॉर्शनल एंगल, या फिर हम इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। तो जब आपको एंगल के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करानी है, देखो सिंगल बॉन्ड सब जगह है, लेकिन उस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपको मूवमेंट करानी है, तो हम उसको टॉर्शनल एंगल या फिर हम उसको डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, और इसी एंगल, यही वो एंगल होता है विच विल डिसाइड, जो डिसाइड करेगा फाइनली जाकर के कि किस तरीके की स्ट्रक्चर जो होगी प्रोटीन की प्रेजेंट होगी, वो कितना अमीनो एसिड वहाँ पे रोटेट कर सकता है, और अगर वो कितना रोटेट कर रहा है, कितने डिग्री एंगल है वहाँ पे जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है, और रोटेशन से उसकी स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रामाचंद्रन प्लॉट, कि उसने यही बताया था कि ये जो टॉर्शनल एंगल होता है इसमें कितने डिग्री रोटेशन से कौन सी स्ट्रक्चर जो होगी वो पॉसिबल हो सकती है हमारे प्रोटीन की, ठीक। दिस इज़ अबाउट द टॉर्शनल एंगल, बट इस टॉर्शनल एंगल के अलावा और भी बहुत सारे एंगल आपके पास होते हैं, आपको टोटल तीन एंगल याद तीन बॉन्ड याद करने हैं, तीन बॉन्ड होते हैं हमारे पास, और एक टॉर्शनल एंगल और डाईहेड्रल एंगल का कंसेप्ट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड सबको समझ में आ गया है ना, तो मैं ऐसा बनाती हूँ, देखो पेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से थोड़ा खोल के बनाते हैं, बड़ा करके बनाते हैं, लेट मी चूज फर्स्ट रेड कलर, कोशिश करते हैं इसको अच्छे से समझाने की। देखो NH3 एक बॉन्ड, CR1 और यहाँ पे क्या था H, मैं दोबारा बना रही हूँ सेम स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे कौन सा था NH, और फिर यहाँ पे C और यहाँ पे R2 था, ये अल्फा कार्बन है H, और फिर यहाँ पे क्या था C डबल बॉन्ड O, फिर से हमारे पास थर्ड कार्बन था जिसमें मैंने कहा था NHCR3 और ये था H, और ये क्या था मेरे पास, ये था COOH। आई होप ये सबको क्लियर है, ये अल्फ़ा कार्बन था, ये भी अल्फ़ा कार्बन था और ये भी अल्फ़ा कार्बन था, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला बॉन्ड बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, दिस इज़ माई फर्स्ट बॉन्ड, दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड, ये भी क्या था, दिस इज़ ऑल्सो अ पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर। लेकिन ये वाला बॉन्ड देखो ध्यान से, यहाँ पे NH3 और C, मतलब एक ही अमीनो एसिड में आपस में भी तो बॉन्डिंग है ना, तो यहाँ पे NH3 और C इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको मैं बोलती हूँ फाई बॉन्ड, दिस इज माई फाई बॉन्ड, ठीक है, फाई बॉन्ड, वैसे फाई को PHI लिखेंगे, फाई बॉन्ड लिख ही देती हूँ, वरना ना तुम कुछ का कुछ बना देते हो, एक मिनट, फाई बॉन्ड आराम से समझ लो, बहुत इजी है, इसको हम लिख देते हैं फाई बॉन्ड, ठीक है। और जो कार्बन और कार्बन के बीच में है, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, सी डबल बॉन्ड ओ और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है इसको मैं बोलती हूँ साई बॉन्ड, ठीक है, सी सी सी
सी अल्फा सी डबल बॉन्ड ओ वाला सी और दोनों के बीच में साई, यानी साई भी सी से शुरू हो रहा है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो. तो टोटल यू हैव थ्री बॉन्ड्स, वन इज योर फाइव बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द NH यानी अमीनो ग्रुप ऑफ द अमीनो ग्रुप एंड द अल्फा कार्बन. सेकेंड इज योर साई बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सी अल्फा एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. और थर्ड आपके पास होता है पेप्टाइड बॉन्ड जो आपका एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. एंड अब यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना होगा, उस डिग्री कितना रोटेशन होगा, उस रोटेशन के अकॉर्डिंग हमारा रामाचंद्रन प्लॉट आया था. लेकिन उन्होंने बताया कि रामाचंद्रन प्लॉट में कौन से डिग्री रोटेशन से जो प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी और वो कितने डिग्री रोटेशन पे बनेगी. ठीक है, तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटीन की चार ही स्ट्रक्चर होती हैं. प्रोटीन की स्ट्रक्चर पहली वन डिग्री स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो ना जिसमें आपने लीनियर अरेंजमेंट में प्रोटीन को रखा हुआ है, अमीनो एसिड्स को रखा हुआ है, दैट डिस्क्राइब योर प्राइमरी और फर्स्ट यानी प्राइमरी ही बोल सकते हैं आप, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, ये सिर्फ क्या दिखाती है, ये आपकी एक लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो अगर आप पूरी प्रोटीन को डीनेचर भी कर दो हाई टेम्परेचर पे, तब भी प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी कहीं नहीं जाएगी, ये कभी नहीं टूटेगी. हमेशा आपको लास्ट जो स्ट्रक्चर प्रोटीन की निकल के आती है आफ्टर द डीनेचुरेशन, दैट इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस तरीके से. सपोज ये है, दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर. ऐसे भी नहीं करते हैं, बहुत सिंपल रखेंगे, हर चीज़ को समझाने के लिए इतना सिंपल रखूंगी कि आप खुद बोलोगे कि मैम यस ये बढ़िया था. अब देखो इस तरीके से ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर. इस प्राइमरी में क्या है, ये N टर्मिनल मान लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल मान लेते हैं. सपोज ये एक अमीनो एसिड का अल्फा कार्बन, ये दूसरे अमीनो एसिड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, इस तरीके से बन गए. दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या आप यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड देख पा रहे हो? नहीं, ये जो बीच में बन रहा है दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, तो हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है. सारी प्रोटीन जितनी भी होती हैं सबके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स. ठीक है, ये कैसे होती है, ये कुछ ऐसे होती है. ओके, गिव मी वन टाइम. ये होती है हमारी पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. क्लियर, उसके अलावा ऐसे भी नहीं बनाते हैं इसको ना, ये मैंने थोड़ा सा दो के बीच में बना दिया, दो के बीच में ये नहीं होती है, ये अलग स्ट्रक्चर थी. जो अल्फा हेलिक्स होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. ठीक है, ये इसका एन टर्मिनल होता है और ये इसका सी टर्मिनल होता है. दिस इज योर अल्फा हेलिक्स, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही एक और टाइप की स्ट्रक्चर आती है जिसको हम जिगजैग पैटर्न बोलते हैं और बीटा प्लेटेड शीट्स बोला जाता है इसको, बीटा प्लेटेड शीट. ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ध्यान से देखो, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. ओके, जिसमें आपके पास एक होती है पैरेलल बीटा प्लेटेड शीटेड. पैरेलल बीटा प्लेटेड शीटेड में क्या होगा, एन और सी टर्मिनल, एक का एक चेन का इस तरफ होगा और दूसरी का भी एन इस तरफ होगा. दूसरी वाली जो चेन है इसका एन इस तरफ होगा और सी इस तरफ होगा. दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. बट कौन सी, पैरेलल वाली, पैरेलल बीटा प्लेटेड. ठीक है, और जो दूसरी बनेगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी. एन यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, एन यहाँ पर होगा, सी होगा यहाँ पर. इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट. ठीक है, आपके हेयर केराटिन हो गए, सिल्क फाइब्रोसिस हो गया, सिल्क फाइब्रिन हो गए, इन सब में ये कौन सी शीट्स मिलती हैं आपको, अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट मिलती है. ठीक, तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए. अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते हैं, इसमें आपको और भी बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे. इसमें आपको और कौन कौन से बॉन्ड मिलेंगे, इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिल सकते हैं, इसमें आपको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स मिल सकते हैं. बट हम नॉर्मली कौन से बॉन्ड्स याद रखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर मिलेंगे और दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा अभी जो मैंने बताया पेप्टाइड बॉन्ड.
तो ये दो बॉन्ड आपको नॉर्मली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. तो दिस इज़ योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इधर अल्फा हेलिक्स और सेकेंड वन विल बी द बीटा प्लेटेड स्टेट. तो ये क्या है, दीज आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, इधर अल्फा हेलिक्स और या फिर ये हो सकती है बीटा प्लेटेड. बीटा प्लेटेड में भी आपको दो फॉर्म में मिलेंगी, या तो मिलेगी पैरेलल या फिर मिलेगी एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट. अब व्हाट अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें आपको पॉकेट्स मिलना शुरू हो जाती हैं. इस तरीके से जो आपकी प्रोटीन होती है वो इस तरीके से खुद को कन्फर्मेशन में रखती है कि उसमें छोटे छोटे सर्विसेज बन जाती हैं, क्रिवाइसिस बन जाती हैं, पॉकेट्स बन जाती हैं, या फिर हम उसको एक्टिव साइट बोलते हैं. तो अगर हम बात करें कि एंजाइम कहाँ से बनते हैं, तो एंजाइम आर बेसिकली व्हाट दे आर द टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर. जितने भी एंजाइम होते हैं ज़्यादातर वो प्रोटीनेशियस इन नेचर ही होते हैं. और वो कौन सी प्रोटीन होती है, दैट इज़ योर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो उसमें क्या होगा, टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में नॉर्मली आपकी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होगी वो आपस में क्या होगी, कोइल्ड होगी इस तरीके से. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर. और इसमें एक साइड पे आपका एन टर्मिनल रहेगा और एक साइड पे आपका सी टर्मिनल रहेगा, जो अभी विजिबल नहीं है. अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से इसको कंसिडर करके थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हो, जिसमें एक एन है और एक सी है. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज़ योर इन मतलब इसमें क्या हो रहा है, खुद से ही फोल्डिंग हो गई है, अपने आप ही अपने अंदर पूरी फोल्डिंग हो गई है प्रोटीन की. इसको हम बोलते हैं टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर. इसमें कहीं ना कहीं जैसे सपोज ये पॉकेट बन गई है, ये क्या है, नाउ दिस एक्ट एज एक्टिव साइट. ये वो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर सकता है. ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर के बाइंड कर सकता है. तो इस तरीके से ये आपका एंजाइम बन गया, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी आप इसको बोल सकते हो. तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट विल बिहेव एज अ एंजाइम. और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आर बेसिकली फंक्शनल टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो ये था हमारे पास. इसमें आपके पास जो एंजाइम है ज़्यादातर वो एग्जांपल की तरह ट्रीट किए जाते हैं. बट व्हाट अबाउट द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. प्रोटीन की जो 4-degree स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, आपने हीमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा. हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा पिगमेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन और द कार्बन डाइऑक्साइड. राइट, जो हमारा प्रोटीन है जिसकी 4-degree स्ट्रक्चर है, तो उसमें आपके पास 4 डिफरेंट चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा. अब वो अल्फा और बीटा आपस में टर्शियरी स्ट्रक्चर की नेटवर्क में रहती हैं, लेकिन आपस में भी जुड़ी रहती हैं. कैसे, देखो यहाँ पे सपोज दिस इज़ द अल्फा, 1 अल्फा, दिस इज़ योर नेक्स्ट या और वी कैन से सेकंड अल्फा. इसके अलावा 2 बीटा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं इस तरीके से. ठीक है, दिस आर द 2 बीटा चेन. तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है. तो ये अल्फा, एक सिंगल अल्फा टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक सिंगल अल्फा टर्शियरी स्ट्रक्चर, दूसरी बीटा स्ट्रक्चर भी आपस में क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपस में भी जुड़ी हुई है. ठीक है, फोल्डिंग है इन सब में. तो ये क्या हो गई, नाउ इट इज़ योर कम्प्लीटली 4-degree स्ट्रक्चर. और ये आपको किस में मिलेगी, ये मिलेगी आपको हीमोग्लोबिन में. ठीक है, अब समझ में आया आपको कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शियरी क्या होती है, क्वार्टरनरी क्या होती है. सबसे ज़्यादा सुपर फोल्डिंग किसके अंदर मिलेगी आपको, 4-degree स्ट्रक्चर के अंदर. सुपर फोल्डिंग बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड और बिटवीन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, सुपर फोल्डिंग. अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन. टर्शियरी क्या होती है, टर्शियरी होती है सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर सुपर फोल्डिंग का होना. टर्शियरी प्रोटीन वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, जिसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, वंडरवॉल फोर्सेस मिलेंगी, वंडरवॉल फोर्सेस मिलेंगे, हाइड्रो या वंडरवॉल बॉन्ड भी बोल सकते हो, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड मिलेगी या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस मिलेंगी, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, सल्फर बॉन्ड मिलेंगे यहाँ पे आपको, इंट्रैक्शन, सल्फर बॉन्ड मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे मिलेंगे आपको, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे मिलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब लॉट ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हेयर, कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, समझ में आया.
ये तो थे आपकी प्रोटीन की फोर स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो रामाचंद्रन जी थे ना वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे। उन्होंने किसके बारे में बताया था? उन्होंने सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में रिस्पेक्ट में बात की। इन्होंने कहा कि जितना डिग्री रोटेशन होगा फाई में, साई में, पेप्टाइड बॉन्ड में, जितना डिग्री रोटेशन होगा, टॉर्जनल एंगल जितना होगा या जैसा भी टॉर्जनल एंगल होगा, उसके अकॉर्डिंग समझ में आया कि कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी प्रोटीन की। तो उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने पूरा क्वाड्रेंट में क्या दिया था, रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। ठीक, तो आई होप आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू फटाफट से आपको डिस्क्राइब करती हूँ डायग्राम्स के रिस्पेक्ट में कि कैसे क्या क्या उन्होंने बताया था। ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव विद मी। यहाँ पे देखना कि क्या है। ठीक है, तो शुरू से चलते हैं पूरी प्रेजेंटेशन पे। ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है, बहुत डिटेल नहीं समझाऊंगी, जो ज़रूरी है सिर्फ वो चीज़ें समझाएंगे। क्लियर? अमीनो एसिड के बारे में आप सब समझ गए हो कि अमीनो एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होते हैं। 20 कॉमन अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हम अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। ये देखिए, ये अल्फा ग्रुप है, ये इसकी आर साइड चेन है, ये इसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इसका एक अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक एच ग्रुप है और ये एक वेरिएबल ग्रुप है। क्लियर? यहाँ पे आप बॉल एंड स्टिक मॉडल को देख सकते हो, यहाँ पे आप अमीनो एसिड की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ से समझ आता है कि अगर चारों ग्रुप डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, देन इट विल बी योर अल्फा कार्बन। क्लियर? केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड देखें तो दो फंक्शनल ग्रुप हैं इसके पास, वन इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा होता है अमीनो ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन। इसके अलावा इसके पास एक डिफरेंट ग्रुप होता है जिसको आप आर ग्रुप बोलते हो, विच इज़ अ वेरिएबल ग्रुप, और उसी की वजह से अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफाइन होती हैं। अगर ये आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो जो आपका एसिड होगा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जो अमीनो एसिड होगा वो एसिडिक हो जाएगा। अगर उस आर कार्बन में आर ग्रुप के अंदर अमीनो एसिड ज़्यादा, अमीनो ग्रुप ज़्यादा होगा तो जो आपका अमीनो एसिड है वो बेसिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड विल बी डिसाइडेड बाय द आर ग्रुप विच इज़ अ वेरिएबल ग्रुप। राइट, नाउ व्हाट अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो देर इज़ वन अमीनो एसिड जिसके पास कायरैलिटी नहीं है, मतलब विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज़ योर ग्लाइसिन, मैंने आपको बताया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर व्हाट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे सपोज इसकी बात करें या इसकी बात करें तो ये डी और एल फॉर्म में मिलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, राइट को किस तरफ मूव कर रहे हैं उसके फॉर्म में। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है अभी के लिए, ये अमीनो एसिड का एक अलग कंसेप्ट रहता है, बस मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो जैसे ये एल एलेनिन है, ये डी एलेनिन है। क्लियर? यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है वो राइट लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है वो आपका राइट साइड में है। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है, तो अमीनो एसिड एक्ट लाइक अ ब्रिक, ब्रिक की तरह बिहेव करता है। लेकिन अमीनो एसिड आपस में जुड़ते किस बॉन्ड से हैं, दैट इज़ योर पेप्टाइड बॉन्ड। ये सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे की है, दिस इज़ योर वन फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस इज़ योर सेकेंड अमीनो एसिड, इसके पास आर टू है, इसके पास आर वन वेरिएबल ग्रुप है, इसका OH और इसका H जब रिलीज आउट हुआ, कंडेंसेशन प्रोसेस हुई, तो देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वन बॉन्ड बिटवीन द C डबल बॉन्ड O एंड NH, दिस इज़ योर पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ से जब आपने एक पानी को निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू यू, क्यों? क्योंकि आपने एक बार उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक, अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की गई है जो आर ग्रुप है उसके बेस पे। अगर आर ग्रुप बहुत सिंपल है, जैसे एच है, सी एच थ्री है, सी एच थ्री का ट्वाइस सी एच है, या इस तरीके से है, तो उस बेस पे इनके नाम रखे गए हैं। तो अगर आप चाहो तो एक डिटेल में इसके लिए मतलब एक पढ़ सकते हो इसको, कि जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, मैं सिर्फ प्रोनंसिएशन समझा रही हूँ आपको, इनकी जो इनमें चार्जेस की फॉर्म में देखें तो ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, पोलर कैसे होते हैं, पोलर साइड चेन ये वाली होती है जिसमें आपको इस तरीके के कुछ ग्रुप मिल जाएंगे, जो कि किस में होते हैं, एस्पैरेजिन में होता है, सीरीन में होता है, ग्लूटामीन में होता है, थ्रियोनिन में होता है। ठीक है, इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात की है, अगेन अमीनो एसिड वन, अमीनो एसिड टू, व्हेन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वन बॉन्ड आफ्टर द कंडेंसेशन प्रोसेस, दैट इज़ अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स। ठीक है, द ट्रांस कन्फर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इन्होंने समझाई हुई है। सिस होता है जब सेम साइड पर आपके अमीनो एसिड के आर ग्रुप होंगे, दो अमीनो एसिड हैं, दोनों का आर ग्रुप सेम साइड पर है तो बोलेंगे सिस कन्फर्मेशन। बट अगर दो अमीनो एसिड हैं, दोनों का आर ग्रुप डिफरेंट पोजिशन पे
है तो आप बोलोगे ट्रांस कन्फर्मेशन, दिस इज द ट्रांस कन्फर्मेशन, राइट। यहाँ पे एक अमीनो एसिड के साथ आर ग्रुप नीचे की तरफ और दूसरे अमीनो एसिड के साथ आर ग्रुप ऊपर की तरफ, ये अमीनो बॉन्ड इन्होंने समझा रखा है क्या होता है। तो अमीनो बॉन्ड अमाइड बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइड बॉन्ड इज इट इट्स लो बेसिसिटी, बहुत लो बेसिक होता है ये जो NH और C डबल बॉन्ड O के बीच में बनता है, विच इज़ यूजफुल इन प्योरिफिकेशन एंड इट्स स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O का जो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है और जो लोन पेयर है इनमें रेजोनेंस होती है तो ये आपस में मूव करता रहता है, ये डबल बॉन्ड आपस में मूव करता रहता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता रहता है, ठीक है। अब क्योंकि बेसिक एमाइड सिंथेसिस इज द रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अमीनो विद द लॉस ऑफ वाटर, ये हम सबको पता है। सिंस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एन के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एन एटम आर टाइड अप इन द फॉर्मिंग ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। ये जो फ्री अमीनो एसिड के जो फ्री लोन पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, ये मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से ये अपना डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बनाते हैं और इसमें 40% क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एन एटम कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, यहाँ पर एन एटम जो होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए जो एन होता है इट ऑल्सो गिव्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैज़ अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विच विल रिपेल प्रोटॉन्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बाइंडिंग टू द नाइट्रोजन, डज नो आयनाइजेशन, ठीक है। तो दोनों के पास, एक के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, एक के पास पार्शियल डबल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ गया, तो दोनों में ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। अब देखो दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू सिंथेसिस ऑफ ट्राई पेप्टाइड्स एंड इवन लार्जर पेप्टाइड, अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो ये देखो इन्होंने बहुत सारे पेप्टाइड को आपस में जोड़ा हुआ है, आप ये रिएक्शन चाहो तो रहने भी दे सकते हो, एक अमीनो बॉन्ड, दूसरा अमीनो बॉन्ड, अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, इस तरीके से। नाउ दिस इज योर रामाचंद्रन प्लॉट, रामाचंद्रन प्लॉट जी ने कहा था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें समझाई थी, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। सी अल्फा और सी के बीच में देखो एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, कैसी कन्फर्मेशन है, ट्रांस कन्फर्मेशन दिखा रखी है, क्योंकि एक कार ऊपर है एक कार नीचे की तरफ है। जब हमने ध्यान से देखा तो एक अमीनो एसिड ये जो पूरा था और एक ये था, इसका सी डबल बॉन्ड और इसका NH, इसके बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, दिस इज आवर पेप्टाइड बॉन्ड। सी अल्फा और सी अल्फा के बीच में कौन सा बॉन्ड था, साई बॉन्ड। एन एच वाला जो था और सी अल्फा, इसके बीच में जो कौन सा बॉन्ड था, फाई बॉन्ड, ये मैंने आपको समझा दिया था। यही चीज़ इन्होंने कही है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ अलाउड एंड डिसअलाउड, ओके ये इसके बारे में अब थोड़ी देर में बात करेंगे। टॉर्जनल एंगल की वैल्यू को दिखाया गया है, टॉर्जनल एंगल, ठीक है। देखो टॉर्जनल एंगल्स आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल स्ट्रक्चरल पैरामीटर दैट कंट्रोल प्रोटीन फोल्डिंग, की प्रोटीन कैसे फोल्ड करेगा, 2 डिग्री में फोल्ड करेगा, टर्शरी में फोल्ड करेगा, किस तरीके से फोल्ड करेगा, फोल्ड करेगा तो टॉर्जनल एंगल के ऊपर सारा खेल चलेगा यहाँ पे। थर्ड पॉसिबल टॉर्जनल एंगल विद इन द प्रोटीन बैकबोन कॉल्ड ओमेगा, इसको आप ओमेगा भी बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ पे, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट की बात करते हैं, इफ वी वुड हैव अ वे टू प्रिडिक्ट द रामाचंद्रन एंगल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, वी वुड बी एबल टू प्रिडिक्ट इट्स 3D फोल्डिंग, हम इसकी 3D डायमेंशन में जो फोल्डिंग है वो देखना चाहेंगे। द रीजन इज दैट दीज एंगल्स प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन टू अडॉप्ट अ सर्टेन फोल्ड, सिंस ओमेगा इज एसेंशियली फ्लैट एंड फिक्स टू 180 डिग्री। इनका कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सी और सी डबल बॉन्ड और NH के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्लैट है, 180 डिग्री है, तो वहाँ पे किसी तरीके की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। बट वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी तो आया था, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी आया था। द रीजन इज दैट दीज एंगल्स प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन टू अडॉप्ट अ सर्टेन फोल्ड, सिंस ओमेगा इज एसेंशियली फ्लैट, ओमेगा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है एंड इज फिक्स्ड टू 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, विच पार्शियल डबल बॉन्ड आया है किसके पास, एमाइड बॉन्ड के पास, पेप्टाइड बॉन्ड के पास, जो क्या करेगा, विच रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन अराउंड द CN बॉन्ड, इसके अराउंड रिस्ट्रिक्शन कर देगा, प्लेसिंग 2 सक्सेसिव अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा होगा उसके सी अल्फा और इधर भी सी अल्फा होगा, एंड CON बन जाएगा, CO और NH बिटवीन देम इन वन प्लेन, तो सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे। कहने का मतलब है ये सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब इनके कहने के अकॉर्डिंग रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि देर इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड
उसकी वजह से 180 डिग्री फ्लैट है, तो ओमेगा की वजह से वहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है। बट अगर यहाँ देखें तो इसके अराउंड भी सी अल्फ़ा, यहाँ पे देखें तो इसके साथ भी सी अल्फ़ा, तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल हो पाएगी। दस रोटेशन ऑफ द प्रोटीन चेन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रोटेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड प्लेन रिलेटिव टू ईच अदर। मतलब ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के साथ प्लेन में आ गए हैं। ये इसके साथ प्लेन में है, ये ऐसे प्लेन में है, ये ऐसे प्लेन में है, तीनों एक साथ प्लेन में है। कैसे प्लेन में है, जब मैंने H2O2 की बात की थी हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ऐसे 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 एक प्लेन एंगल बना था, टॉर्शनल एंगल, तो वो एक प्लेन में आ गया। प्लेन मतलब आप 3D में अज्यूम कर रहे हो, लाइन एक अलग चीज़ है, प्लेन एक अलग चीज़ है, प्लेन आप 3D में इमेजिन कर रहे हो, तो उस प्लेन में इन तीनों में रोटेशन पॉसिबल होगी कुछ एक डिग्री तक। ठीक, टॉर्शनल एंगल, ये देखो, ये मैंने आपको समझाया था इस तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में जब बात की थी, तो कहा था कि ये H होता है, ये O और ये H, ये वाटर मॉलिक्यूल समझाए थे, H H O, तो यहाँ पे ये एंगल था टॉर्शनल एंगल। ठीक है, टॉर्शनल एंगल आर द डायहेड्रल एंगल विच आर डिफाइंड बाय 4 points इन स्पेस। तो आपके पास 4 points होने चाहिए स्पेस में। यहाँ पे 4 points क्या है, यहाँ पे 4 points है N, सी अल्फा, सी डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, और एन, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये क्या है एन, और फिर ये है सी अल्फा। तो ये है अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, ये है आपके पास, मैं सही जा रही हूँ ना बच्चों, गलती तो नहीं की, हाँ गलती है यहाँ पे, क्या गलती है रुको बताती हूँ, अभी ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या गलती की थी, है ना। देखो ये कौन सा बॉन्ड है मेरे पास, ये है मेरा फाई बॉन्ड एन और सी के बीच में, ये सी अल्फा था, सी अल्फा और एन के बीच में क्या है मेरे पास, यहाँ पे भी गलती है हमसे, सी अल्फा थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक अमीनो एसिड मैं बना रही थी, तो ये हो गया एन और सी अल्फा के बीच, सी अल्फा के बीच में बॉन्ड हो गया। दोबारा ही बना लेते हैं बच्चों, आज आपके लिए ना लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे, सॉरी कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे होगा एन, ये हमारा सी, और ये आर ग्रुप होगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ होगा, यहाँ पे एन एच होगा, और यहाँ पे सी अल्फा होगा, फिर आर टू होगा, ये आर वन था ना, आर टू होगा और सी डबल बॉन्ड ओ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ही प्लेन में चार चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है, एक तो हमारा इसके और इसके बीच में सी और सी के बीच में कौन सा आपका बनेगा एंगल, साई एंगल, सी और एन एच के बीच में क्या है एमाइड एंगल, एमाइड, और यहाँ पे एन और एच के बीच, एन और सी के बीच में क्या है फाई। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 4 points हो गए ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ये 4 points हो गए। इसी 4 points के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनता है उसको आप बोलते हो डाईहेड्रल एंगल। इन प्रोटीन्स द टू टॉर्शनल एंगल फाई एंड साई डिस्क्राइब, ये है टॉर्शनल एंगल आपके, फाई और साई क्या है, दीज आर द टॉर्शनल एंगल या डाईहेड्रल एंगल हम इनको बोलते हैं, फाई भी होता है और साई भी होता है। टॉर्शनल एंगल फाई एंड साइड विच डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन अराउंड द टू बॉन्ड्स ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बन अल्फा एटम। अल्फा कार्बन एटम के दोनों तरफ जो बॉन्ड है वो किस तरीके से रोटेट करेंगे उस चीज़ को कौन डिफाइन करता है, यही टॉर्शनल एंगल डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है एक सी, ये है सी अल्फा, ये है इसका एन, सी अल्फा और एन के बीच में फाई एंगल है, सी अल्फा और सी के बीच में साई एंगल है, और सी और एन के बीच में आपका ओमेगा एंगल मान लीजिए या पेप्टाइड एंगल होता है। तो सबकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, उस डिग्री पे आपका रोटेशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, प्रोटीन की बैकबोन इस तरीके से आप समझ सकते हो, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है द प्रोटीन बैकबोन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फाई साई एंड ओमेगा टॉर्शनल एंगल ऑफ द बोन्स। ओमेगा बेसिकली व्हाट क्या है ये, ओमेगा आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल होता है उसको ओमेगा बोल देते हो। द फाई एंगल इज द एंगल अराउंड द, फाई एंगल की बात हो रही है किसके बीच में, एन एंड सी अल्फा, ये सी अल्फा है बॉन्ड, वेयर सी ए इज अल्फा कार्बन, इन्होंने ये रिस्पेक्ट में बताया। द साई एंगल इज द एंगल बिटवीन द सी ए, मतलब कि सी अल्फा और सी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो साई है, सी सी सी, मैंने भी बताया था। ओमेगा क्या है, एंगल इज द एंगल अराउंड सी एन बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखो ये एन है और ये अल्फा है सी अल्फा, तो ये है फाई,
ये सी अल्फा है और ये सी है, तो ये है साई। सी डबल बोंड ओ और एन एच के बीच में जो एंगल है दैट इज़ योर ओमेगा एंगल। आई होप राइट नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। फाई साई और ओमेगा जब ये तीनों घूमते हैं या तीनों रोटेट करते हैं, किसको कहाँ पे लोकेशन मिलेगी, कहाँ पे पोजीशन मिलेगी, उस रिस्पेक्ट में ही आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर आती है। इसने सिर्फ सेकेंडरी ही क्यों समझाई थी, सेकेंडरी इसलिए समझाई थी क्योंकि जब टर्शरी पे जाने लगा तो टर्शरी में बड़े बड़े ग्रुप आ गए थे अमीनो एसिड्स के, उन अमीनो एसिड्स के रिस्पेक्ट में रोटेशन जो थी वो बहुत कम हो रही थी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई थी, इसीलिए इसने टर्शरी नहीं समझाई या वी कैन से कि सेकेंडरी तक ही समझा पाए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट। इस रामाचंद्रन प्लॉट को हम कैसे डिफाइन करते हैं पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट वॉज गिवन बाय जी एन रामाचंद्रन इन 1963 में इन्होंने ये प्लॉट दिया था। इस प्लॉट को ध्यान से देखो, इसमें इन्होंने चार क्वाड्रेंट बनाए हैं। प्लॉट को बनाने का तरीका, एक्स एक्सिस पर भी इन्होंने एंगल लिए हैं और वाई एक्सिस पर भी इन्होंने एंगल लिए हैं, लेकिन बोथ एंगल्स आर डिफरेंट। एक्स एक्सिस पर जो इन्होंने एंगल लिया है दैट इज़ फाई, फाई एंगल किसके बीच में था, एन और सी अल्फा के बीच में। ठीक है, साई एंगल इन्होंने लिया है वाई एक्सिस पे, किस किस के बीच में था, सी और सी अल्फा के बीच में जो एंगल होता है दैट इज साई एंगल। इन्होंने इसकी नेगेटिव वैल्यू भी रखी है और पॉजिटिव वैल्यू भी रखी है। नेगेटिव वैल्यू रखी गई है सपोज जीरो इन्होंने कंसिडर कर लिया दोनों की मिड लाइन से, उसे नीचे रखा है वाई एक्सिस पे नेगेटिव और ऊपर रखा है पॉजिटिव। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो जीरो के लेफ्ट में रखा गया है नेगेटिव को, जीरो के राइट में रखा गया है पॉजिटिव को। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी एंगल की वो पॉजिटिव होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, सेम यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में इन्होंने इसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। अभी इस डायग्राम से समझ आ रहा है कि कौन सा एरिया क्या डायग्राम दिखा रहा है हमें। तो पहले वाइट एरिया की बात करते हैं, जितना भी वाइट एरिया यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, द वाइट एरिया कॉरस्पॉन्ड टू कन्फर्मेशन वेयर एटम्स इन द पॉलीपेप्टाइड कम क्लोजर देन द सम ऑफ देयर वंडर वॉल्स रेडियस। ठीक है, वंडर वॉल रेडियस से बहुत पास पास आ जाते हैं। दीज रीजन्स आर स्ट्रिक्टली डिसअलाउड फॉर ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज़ यूनिक इन दैट इट लेक्स अ साइड चेन। इसका कहने का मतलब है कि जो वाइट एरिया यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसमें जो एटम्स हैं वो इतने ज़्यादा पास पास आ जाते हैं अमीनो एसिड के चेन में, पॉलीपेप्टाइड के चेन में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें जो आर ग्रुप है उस आर ग्रुप में इतने ज़्यादा पास एटम आ जाते हैं कि यहाँ पे किसी तरीके की रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलती प्रोटीन की, एक्सेप्ट देर इज़ वन अमीनो एसिड विच इज़ योर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इस वाइट रीजन में ही कहीं पे मिलेगा क्योंकि वो रोटेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास आर एटम क्या है, एच है, तो एच का कोई चक्कर होगा ही नहीं, तो इसीलिए ग्लाइसिन जो होता है दैट इज़ यूनिक क्योंकि इसके पास जो साइड चेन है वो है ही नहीं, आर जो है वो एच ही होता है, इसलिए देर इज़ अ नो साइड चेन, देर इज़ अ नो स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए इसके एटम्स इतने पास नहीं आ पाते। और यहाँ पे ये हमें कौन से रीजन में मिलता है, वाइट रीजन में मिलता है। ठीक है, दूसरा आपको रेड रीजन दिखाई दे रहा है, दोबारा मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, दिस इज़ द रेड रीजन है ना, तो रेड रीजन की बात करते हैं। तो रेड रीजन में लिखा हुआ है बीटा शीटेड, हम दोबारा पढ़ते हैं, द रेड रीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू द कन्फर्मेशन वेयर देर इज नो स्टेरिक क्लैशेस, मतलब यहाँ पे एटम छोटे होंगे, यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रही है, दैट इज दीज आर अलाउड रीजन्स नेमली द अल्फा हेलिकल एंड द बीटा शीट कन्फर्मेशन। तो आपको अल्फा हेलिक्स भी मिलेंगे यहाँ पे और बीटा प्लेटेड शीट भी मिलेंगी। ध्यान से देखो, आपको नीचे वाले क्वाड्रेंट में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स वाला जो रेड रीजन है वो मिल रहा है, और ऊपर वाले एंगल में क्या मिल रहे हैं, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आपको बीटा शीट मिल रही है, यानी ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आपको बीटा शीट मिली है। बीटा शीट क्या थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है ये भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बट ये रेड रीजन इसको दिखा रहा है, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जब बड़े बड़े एटम पास पास आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को रोटेट नहीं होने देते, क्यों, क्योंकि जगह नहीं देते हैं, वो ऐसे रोटेट नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि उसके पास इतना एरिया नहीं है, क्यों, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो इसके रिस्पेक्ट में रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब बहुत छोटे छोटे होते हैं तो दूर दूर होते हैं, ईजिली रोटेट कर जाते हैं, ईजिली रोटेट कर जाते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस कब होती है, व्हेन एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द एटम्स साइज आर वेरी बिग, एट दैट टाइम देर इज नो मूवमेंट और देर इज नो रोटेशन इज पॉसिबल बिटवीन द एटम्स विच लीड्स टू योर स्टेरिक हिंड्रेंस, और वी कैन से ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस द एटम कैन नॉट रोटेट हेयर एंड देयर, दैट्स वाई हम यहाँ पर प्रोटीन की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाते।
ठीक। लेकिन जो रेड रीजन है, रेड आपको याद रखना होगा कि जो रेड रीजन है अपर क्वाड्रेंट विच इज़ अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट, जिसमें आपके पास साई की वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान से देखो साई की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन फाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये बीटा शीट्स है, बीटा शीट उस रीजन में मिलेगी। इसी तरह राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी इसी रीजन में मिलेगा। नाउ अबाउट द लेफ्ट हैंडेड रीजन, लेफ्ट हैंडेड एरिया शोज द अलाउड रीजन मतलब यहाँ पे रोटेशन हो सकती है इफ़ सलाइटली शॉर्टर वंडर वॉल रेडियस आर यूज इन द कैलकुलेशंस, यानी कि जो एटम्स हैं उनकी वंडर वॉल रेडियस बहुत छोटी होगी, दैट इज एटम्स आर अलाउड टू कम अ लिटिल क्लोज टुगेदर, ठीक। दिस ब्रिंग्स आउट एन एडिशनल रीजन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। तो आपको येलो रीजन लेफ्ट हैंडेड मिल रहा है, आपको वही इस एरिया में भी मिलेगा, आपको वही इस एरिया में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फाई की वैल्यू क्या है, साई की वैल्यू क्या है। Disallowed reasons are basically what they are generally involved steric hindrance between the side chain C beta methylene group and main chain atom. तो side chain R वाला जो group है उसके बीच में और जो main chain है उसके बीच में आपको steric hindrance मिलेगी, तो वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की allowance नहीं होती है movement के लिए। Glycine के पास कोई side chain नहीं है, इसीलिए इट कैन अडॉप्ट फाई एंड साई एंगल्स इन ऑल फोर क्वाड्रेंट, इसको आप चारों क्वाड्रेंट्स में देख सकते हो रामाचंद्रन प्लॉट के। इसीलिए ग्लाइसिन इज़ अ वेरी यूनिक व्हाट, यूनिक अमीनो एसिड, इसीलिए हमने कहा भी था कि एक यूनिक अमीनो एसिड है, क्यों, क्योंकि इसी आर के पास कोई चेन ही नहीं है, ये सिंगल एच है। हैंस इट फ्रिक्वेंटली अकर्स इन टर्न रीजन्स ऑफ प्रोटीन्स वेयर एनी अदर रेजिड्यू वुड बी स्टेरिकली हिंड्रेड, बाकी जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं सब में हमको स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना होता है, और फिर समझ में आता है कि अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में सपोज मान लीजिए ग्लाइसिन एलेनिन की बात करते हैं, एलेनिन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो साइड ग्रुप है वो CH3 होगा। तो अगर मान लो मैं एक पूरी प्रोटीन को CH3 वाले एलेनिन से ही बना दूं, एलेनिन 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 ऐसे जोड़ती चली जाऊं, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने की प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट हैंडेड भी बन सकती है, राइट हैंडेड भी बन सकती है, उसमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी वो टॉर्शनल एंगल से हमें समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, है ना। तो यही चीज़ इन्होंने कहा है, ये नाम, ये चीज़ें आप याद रखना कि राइट ट्विस्टेड बीटा प्लेटेड शीट कहाँ मिल रही है, इस वाले क्वाड्रेंट में, दिस इज़ योर सेकंड क्वाड्रेंट, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें फाई की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन साई की वैल्यू पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें आपकी साई और आपका फाई जो है दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें आपका फाई पॉजिटिव है लेकिन साई नेगेटिव है, दैट इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी दोनों में से एक एक पॉजिटिव और एक एक नेगेटिव होगा तब आपके पास, सॉरी जिसमें दोनों में नेगेटिव होगा वो आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा वो होगा आपका थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि राइट हैंडेड या राइट ट्विस्टेड बीटा शीट कहाँ मिलती है, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, पैरेलल बीटा शीट भी यहीं मिलेगी, एंटी पैरेलल बीटा शीट भी यहीं मिलेगी, मैंने ये सारी समझा दी है पैरेलल क्या होती है एंटी पैरेलल क्या होती है। अगर बीटा प्लेटेड शीट राइट हेलिक्स राइट से टर्न हो रही है ऐसे करके तो ये है राइट हैंडेड, और अगर ये ऐसे करके टर्न होती तो मैं बोलती लेफ्ट हैंडेड टर्न शीट, ठीक है। देर इज़ अनदर वी कैन से अनदर पॉलीपेप्टाइड दैट पॉलीपेप्टाइड और कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ये भी, इसमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन में इस तरीके से बॉन्डिंग बनती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन और एक थर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। रामाचंद्रन जी ने कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स के बारे में भी बताया था। तो ये भी आपको कौन से प्लॉट में कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी, मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि रामाचंद्रन जी ने प्लॉट दिया था साई एंड फाई कैन वेरी फ्रॉम -180 to +180 degrees तक ये वेरी कर सकती हैं, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ साई एंड फाई आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू फिजिकल क्लैशेस ऑफ द एटम इन 3D स्टेट स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें सारे के सारे पॉसिबल रीजंस नहीं मिल पाते हैं। सो कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटेशन ऑफ द साई एंड फाई एंगल अवेलेबल टू ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू, ठीक है। उसके अलावा रामाचंद्रन प्लॉट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फॉर द वैलिडेशन ऑफ प्रोटीन, की हाँ हमारे पास प्रोटीन की ये वाली स्ट्रक्चर है इसीलिए रिस्पॉन्सिबल ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन द प्रिडिक्शन ऑफ 3D फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, कि फोल्डिंग किस तरीके से होगी 3 डायमेंशन के अंदर उसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो यूज टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की क्वालिटी कैसी होगी, बीटा हेलिक्स होगी, कॉलेजन ट्रिपल हेलिक्स होगी, अल्फा शीट होगी, बीटा प्लेटेड शीट होगी, उस तरीके से हम इसकी क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक। एंड देर आर सम एडिशनल पॉइंट,
फाई एंड साई वैल्यू कैन नेवर बी ऑब्टेन फ्रॉम सीडी स्पेक्ट्रा. सीडी स्पेक्ट्रा जो होता है उसके थ्रू आप इसका मतलब नहीं पता लगा सकते हो फाई एंड साई वैल्यू का. उसके अलावा डी अमीनो एसिड, डी अमीनो मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आर फाउंड इन द राइट क्वाड्रेंट ऑफ द प्लॉट. प्लॉट के जितने भी राइट क्वाड्रेंट होंगे, राइट साइड के क्वाड्रेंट होंगे, उन सब में क्या मिलेंगे आपको, डी अमीनो एसिड. मोस्ट ऑफ द टाइम एल अमीनो एसिड ही नेचर में मिलते हैं, लेकिन जो डी अमीनो एसिड्स होते हैं अगर वो प्रेजेंट हैं तो दे विल बी ऑब्टेंड इन द राइट क्वाड्रेंट ऑफ द प्लॉट. फाई एंड साई वैल्यूज ऑफ प्रोलिन, प्रोलिन इज अनदर अमीनो एसिड, आर क्लस्टर्ड इन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. दैट्स वाई इट इज सेट टू प्रोलिन हैज लिस्ट कन्फर्मेशनली अलाउड स्पेस इन द प्लॉट, बिकॉज प्रोलिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास बहुत ज़्यादा स्टेरिक हेंड्रेंस होती है, इसीलिए हमें बहुत ही रेयर मिलता है देखने को. कन्फर्मेशनली उतना ज़्यादा हमें अलाउ नहीं होता है प्लॉट में दिखाना, ठीक है. वन कैन नॉट आइडेंटिफाई प्रोलिन इन अ पेप्टाइड सीक्वेंस बाई यूजिंग प्लॉट. आप इसको नहीं पता लगा सकते बिकॉज देर इज अ वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है. तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी. दिस वॉज ऑल अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट इन जस्ट 60 मिनट. प्लीज़ आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.